नमस्कार। कुड़ू प्रखंड के सलगी पंचायत स्थित नवाड़ी गांव में एक अजगर सांप देखा गया है। आइए देखते हैं कितना बड़ा सांप है और किनके घर के पास है। इनका घर के पास निकला हुआ, क्या नाम है आपका? बुचना तुरी। क्या बजे देखा? रात हुआ चार बजे शाम को देखा गया है। उस समय इसको कैसे रखे हैं? पकड़ के रखे हैं। कैसे पकड़े? झांपी से पकड़ के रखे हैं। कोई नुकसान नहीं किया है? नहीं, एक तो नहीं नुकसान किया है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हमको लोग कुछ चाहिए ना, इतना जो पकड़ दिए उसको जानवर को बचा के रखे हैं, सुरक्षा से, बढ़िया से सुरक्षित रखें। अभी दूसरा जगह रहता या कोई अनजान आदमी रहता तो मार देते, लेकिन वन का सुरक्षा करते हैं। और उनसे भी विनय कुमार जी हमारे साथ अभी हैं, बात करते हैं। कब देखा गया सांप? आपको सूचना कब मिला? हमको 2 घंटा पहले मिली है, यानी वही 10 से 11 बजे के बीच में मिली है सूचना। 10 से 11 बजे सूचना मिली है, क्या बताया गया आपको? तो बूचन तुरी के घर पे अजगर सांप पकड़ के रखा गया है। तो हम बोले यही बात कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पकड़ के फिर जंगल में ही छोड़ दिया जाएगा ताकि किसी को कोई नुकसान नहीं दिया। तो वन विभाग साहब का बात हुआ कि क्या करना है इसको? बात तो नहीं हुई है, साथ में हमारे गार्ड हैं अशोक जी, साथ में आए हुए हैं। अच्छा, जो जो आगे हमारे ऊपर आदेश मिलेगी। जैसे इस क्षेत्र का गार्ड हैं अशोक जी, अभी इनसे बात करते हैं। क्या आपको सूचना कब मिली? लगभग 1 घंटा पहले हमको सूचना यहाँ मिला है। तो जैसे कि इन लोगों ने जानवर को बचा के रखा है, सांप को बचा के रखा है, तो इन लोग से कुछ मुआवजा चाहिए? नहीं, ऐसा मुआवजा तो कुछ नहीं है। इसको तो हम लोग इसको रेस्क्यू करके हम लोग जंगल में छोड़ देंगे, ये जंगल का चीज़ ही है, तो ऐसा कुछ मुआवजा नहीं है। जैसे कि अभी कुछ नुकसान नहीं किया है, जिस कारण से मुआवजा देने का प्रावधान अभी नहीं किया जा रहा, क्योंकि इन लोगों ने बचा के रखा है, रात को ही सांप को पकड़ के रखा हुआ है। तो इन लोगों को उत्साह वर्धन के लिए कुछ दिया जाए, हम लोग कोशिश करते हैं इन्हें कुछ मतलब उत्साह बना रहे, ताकि अगले बार ये लोग कोई जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाए। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है तो हम अपने तरफ से कुछ कोशिश करेंगे, अगर ये बचा के रखे हैं तो हम लोग मतलब अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि कुछ सहायता राशि दे देंगे। लाइव 11 अशोक जी को इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि इन्होंने ऐसे लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ अपने तरफ से कुछ राशि देने का बात कहा है। और इस सांप को अभी जंगल में दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, और इन लोगों को बचाव के लिए क्या आप लोग जंगल तरफ से, जंगल विभाग से कुछ है क्या जी? किसके बचाव के लिए? जैसे सांप वगैरह जानवर वगैरह के बचाव के लिए क्षेत्रीय लोगों को कुछ जागरूक वगैरह कुछ करते हैं कि नहीं? हम लोग जैसे अभी जंगली जानवर होता है, जैसे हाथी जो अभी आया हुआ है कुड़ू में, शायद कुछ दिन पहले भी निकल गया है, तो उसके बचाव के लिए हम लोग यही करते हैं कि घर के आसपास में रात में अपना आग उग जला कर रहे, और जैसे एक मिर्च आता है उसको घर के अगल बगल में उसको जला कर रखने से जो हमने सीधे जो घर के सामने नहीं आता है। हम लोग यही सुझाव देते हैं कि अपने अगल बगल घर के अगल बगल रोशनी करके रखें रात में, इससे वे सुरक्षित रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आप लाइव 11 के साथ जुड़े और अपना विचार साझा किया इसके लिए। जी नमस्कार।